हरे कृष्ण साथियों। तो यार आज मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मिला है यूट्यूब के माध्यम से वृंदावन में मूर्ति पेंटिंग का ऑर्डर। तो यार रात के 3:30 बजे हैं और हम पहुँचे हैं मथुरा जंक्शन पर। ये साथी मित्र हमारे कमलेश प्रभु जी और नरेंद्र प्रभु जी। तो हम इंदौर से बैठे थे 5 बजे शाम को 5 बजे और सुबह सुबह 3:30 बजे हमें यहाँ पर उतार दिया है। और अब हम ऑटो तलाश रहे हैं, ऑटो करके हम जा रहे हैं गोवर्धन। और ये आप देख सकते हैं गोवर्धन आ चुके हैं। ये गोवर्धन का मेन मंदिर है, भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन उठाया, आप देख सकते हैं। तो अब हम जाएंगे तीर्थ आश्रम पर, गोवर्धन में ही है ये। हम रूम पर पहुंच चुके हैं और मैं धोती पहन के रेडी हूँ अगले दिन सुबह से। अब सुबह हो चुकी है तो अब हम मंदिर में मूर्ति पेंटिंग के लिए जाएंगे। और ये गर्भागृह है, यहाँ पर पुजारी जी आप देख सकते हैं निकल रहे हैं। यहाँ पर किसी को प्रवेश नहीं है, अगर प्रवेश देते भी हैं तो पहले जनोई धारण करते हैं और धोती पहन के ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो मुझे भी जनोई धारण कराया गया और धोती पहना कर अंदर प्रवेश दिया गया। तो आप देख सकते हैं ठाकुर जी, अभी हम राधा रानी जी और ये ठाकुर जी और उधर है हमारे चैतन्य महाप्रभु। तो हमने अभी वस्त्र निकाल दिया और इस तरीके से साफ सफाई कर दी है और अब हम उनकी शेडिंग करेंगे। तो इसमें मैं ऑयल पेंट का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, पीतल की मूर्तियों में हमें ऑयल पेंट का यूज़ करना है। और उसके ऊपर से हम लेकर भी दे सकते हैं क्लियर वार्निश ताकि उसका लैमिनेट भी हो जाए और शाइनिंग भी अच्छी बनी रहे। तो हमें मेन चेहरे का काम करना है, बाकी तो पीतल की मूर्ति है, हाथों में पैरों में हम शेडिंग दे सकते हैं, बॉडी के ऊपर भी थोड़ी शेडिंग दे सकते हैं और बाकी मेन काम चेहरे का है। आप देख सकते हैं 2 से 2.5 फीट की मूर्तियां हैं ये श्री चैतन्य महाप्रभु और ये श्री ठाकुर जी हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जी और ये राधा रानी जी। तो फाइनली आप देख सकते हैं इस तरीके से कलर हुआ है, इस तरीके से हमने आंखें बनाई है, चेहरे का लुक आप देख सकते हैं राधा रानी जी और ये ठाकुर जी और ये हमारे चैतन्य महाप्रभु। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और ये गुरु जी, अभी होली का माहौल है तो गुरु जी के साथ होली खेली है और अब मैं ऑटो करके जा रहा हूँ वृंदावन। और वृंदावन आया तो प्रेम मंदिर नहीं आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं जा रहा हूँ अभी प्रेम मंदिर, आप देख सकते हैं प्रेम मंदिर के बाहर इतनी भीड़ जमा है। और ये प्रेम मंदिर हम पहुँच चुका हूँ मैं, शाम का समय है, लाइटिंग आप देख सकते हैं और ये ठीक सामने गोवर्धन। और यहाँ पर मुझे कुछ विदेशी भक्त भी मिले हैं, आप देख सकते हैं, उनके साथ फ़ोटो लिए बिना रह नहीं पाया मैं। और फिर मैं पहुँचा हूँ इस्कॉन टेम्पल और यहाँ पर शाम की जो आरती है वो हो ही चल ही रही थी। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला आरती में शामिल होने का और